हाय गाइस, वेलकम बैक। अब ये जो वीडियो है ये हम लोग बताएंगे कि डिप को गन के अंदर कैसा लोड करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये 1 लीटर का डिप का कैन है जिसको मैं अभी ओपन करूँगा। एंड इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑलरेडी ब्लैक डिप मिक्स्ड है, बट ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो मेरे पास एक पुराना ब्लेंडर है जो मैं अभी यूज़ करूँगा इसको बराबर से ब्लेंड करने के लिए, ताकि पिगमेंट मिक्स हो जाए प्रॉपरली। ये देखिए, अब ब्लेंडिंग हो गई है प्रॉपरली। इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये कैसा डार्क ब्लैक हो गया है। अब ये जो जार है यहाँ पे, ये अपनी स्प्रे गन का जार है, इसको हम लोग अभी ये मटेरियल को जार के अंदर लोड करेंगे। मगर लोड करने से पहले हमें ये फिल्टर क्लॉथ यूज़ करना है। ये एक फिल्टर क्लॉथ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि कुछ भी डर्ट मटेरियल इस जार से इस जार में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको लोड करेंगे, आप देखेंगे कि ये कैसा इसको फिल्टर करते हुए जाएगा। अब जबकि ये हम लोग ने लोड कर दिया है जार में, अब ये फिल्टर क्लॉथ को हमें लेके इस मग में डालना है जिसके अंदर हम लोग ने पेट्रोल डाल के रखे, ताकि ये फिल्टर क्लॉथ क्लीन हो जाए नेक्स्ट यूज़ के लिए। अब ये जार के अंदर इतना मटेरियल है कि आप चेक कर सकते हैं इसको उठा के, ये नियरली 400 ml का स्टॉक है। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि पर मैगविल 5 कोट कितना मटेरियल यूज़ होता है। जार में लोड करने के बाद मटेरियल को हमें ये गन को इसके ऊपर पैक कर देना है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अच्छे से टाइट हो रहा है, क्योंकि अगर जार के अंदर प्रेशर नहीं बनेगा तो ये डिप स्प्रे नहीं होएगा प्रॉपरली। ये टाइट हो गया है। अब हमें अपने मोटर का ये जो नोजल है ये इसको इधर कनेक्ट कर लेना है। ये पर्टिकुलर हिस्से पे हमें ध्यान देना है कि इसका जो ये जो मुंह का डायरेक्शन है ये क्रॉस में होना चाहिए ऐसा, ताकि हमारा स्प्रे पैटर्न ऐसा सीधा आएगा। पैच चेक करने के लिए हमें ये करना है कि गन को हमें एक कोई भी हिस्से पे लेके जाना है, दीवार के या ये जैसा यहाँ पे एक वाइट बोर्ड है, मशीन ऑन करके हमें चेक करना है कि ये पैच कैसा गिर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इतने डिस्टेंस से हमें रखना है 6 इंच के, तो पैनल का भी डिस्टेंस लगभग उतना ही होना चाहिए, ताकि आपको पैच 6 से 7 इंच का आना चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये पैच जो है ये 6 से 7 इंच का है, ये प्रॉपरली स्प्रे कर रहा है। अब हम लोग अपने मैगविल के ऊपर डायरेक्टली इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब हमें ये गन का, मैं ऐसी अभी कनेक्शन हटा दिया हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि गन हमें ये डिस्टेंस पे मेंटेन रखना है। और ध्यान देना चाहिए कि ये सब जो एंगल्स है, ये जो कर्व्स है, ये सबको कवर करना है। तो हमें पहले ऐसा राउंड जाना है, ऐसा राउंड जाना है, ऐसा राउंड जाना है। और ये जो सर्कल है, जो रिम और टायर का जो जॉइंट है, यहाँ से भी हमें लेना है, क्योंकि ये मेन जॉइंट रहता है, ताकि डिप आगे चल के लूज नहीं हो जाए। क्योंकि ये सरफेस गोल है तो हमें अपनी स्पीड को उसके हिसाब से मेंटेन रखना है। और दूसरी बात ये देखना है कि ये जो मटेरियल है हर कोने में गिर रहा है, ताकि आपको कवरेज मिले और ताकि हर जगह से ये डिप काला दिखे। क्योंकि हम लोग अभी इसके ऊपर 5 कोट गिराने वाले, तो हर कोट का एक मेथड रहता है। तो पहले मेथड के लिए जब हम लोग करने वाले हैं, वो फर्स्ट कोट है। फर्स्ट कोट में ये ध्यान देना है कि हम लोग लाइट स्प्रे कर रहे हैं हर कोने में ये मटेरियल को, सिर्फ ले करने के लिए, यानी गिराने के लिए, स्प्रे करने के लिए, ताकि ये मटेरियल गिर के सूख जाए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेकेंड कोट जब करेंगे तो वो मटेरियल उसको बराबर से बॉन्ड करेगा, एंड इसकी वजह से आपको ड्रिप कम मिलेगा। एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको स्पीड प्रॉपर मेंटेन करनी है, जो आप वीडियो को देख के फॉलो कर सकते हैं। स्पीड इसलिए मेंटेन करनी है क्योंकि अगर आप कहीं पे भी डिले करते हो, कहीं पे भी आप देरी करते हो या स्लो हो जाते हो, तो उसमें क्या होएगा कि आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूसली एक जगह पे ज़्यादा फॉल करेगा, जिसकी वजह से ड्रिपिंग इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में देना है। तो अगेन, मैं अभी फर्स्ट कोट स्प्रे करूँगा। फर्स्ट कोट हमें एकदम लाइट स्प्रे करना है,
हर जगह मटेरियल को गिराना है एंड हमें वॉक थ्रू करना रहेगा पूरे के पूरे मैगविल के सर्कल्स को। अब हम लोग स्प्रे करने वाले हैं इसको। फर्स्ट कोट जैसा मैंने बताया लाइट स्प्रे करना है और हर जगह जाना है एंड राउंड सर्कल में घूमना है। ये हमारा फर्स्ट कोट है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें सिर्फ स्प्रे करना है ताकि मटेरियल हर जगह पे गिर जाए एंड आपने नोट किया मैंने पूरा सर्कल लिया है। ये कॉर्नर भी मैंने पूरा कवर किया है, ये कॉर्नर्स को भी मैंने पूरा कवर किया है। ये फर्स्ट स्प्रे में आपको छेद जो है वो एकदम लाइट दिखेगा। तो हर कोट के बाद हमें 15 से 20 मिनट रुकना है। अब हम इससे 15 मिनट सूखने देंगे ताकि सेकेंड राउंड हम लोग स्टार्ट करें। अब जब हम लोग ने फर्स्ट कोट स्प्रे कर दिए तो आप देखेंगे कि इसके आगे के नोजल की तरफ काला डिप दिख रहा है जो 15 मिनट के बाद ये भी सूख जाएगा, जिसकी वजह से गन स्प्रेइंग के वक्त पे चोक कर सकती है। तो एक सिंपल मेथड है कि आपने एक टिश्यू लेना है, क्लीन टिश्यू, इसको आपको डिप करना है ये पेट्रोल के अंदर। डिप करने के बाद आपने इसको साफ करके लेना है एंड छोड़ देना है ताकि ये जब नेक्स्ट स्प्रेइंग हम लोग स्टार्ट करें तो हमें चोक का कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। अब जब मैंने ये क्लीन कर दिया, आप देख सकते हैं इसका आगे का टिप जो है वो अभी ब्लैक से वाइट दिख रहा है। तो यही मेथड है जो हमें हर स्टेप हर कोट के बाद मेंटेन रखना है फॉर गेटिंग परफेक्ट रिजल्ट्स। ये अब पहले हाथ मारने के बाद 15 मिनट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा सूख चुका है, इसका कलर भी थोड़ा बहुत बोल्ड हो गया। हाँ, ये सब जगहों पे थोड़ा थोड़ा छूट गया। तो जैसे मैंने बोला था फर्स्ट कोट सिर्फ हमें प्रोडक्ट को स्प्रे करना है और हर जगह बिठाना है, तो ये लाइट कोट रहता है। अब सेकंड कोट जब हम मारेंगे तो इसका कलर और डार्क होएगा, मगर सेम थिंग वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें फिर से ये सिर्फ स्प्रे करना है और हर कोनों में बिठा के लेना है। ये अभी सेकेंड राउंड के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले स्प्रे। तो अभी मैं स्प्रे करने वाला उसको सेकेंड राउंड। आप नोट करिए कि मेरा गन का डिस्टेंस कैसा है, मेरा प्रोडक्ट का फॉल कैसा गिर रहा है, कौन कौन से एरिया पे मैं कवर कर रहा हूँ, मेरा मूवमेंट क्या है, मेरी स्पीड क्या है, वो सब आपको नोट करना है ये वीडियो के थ्रू। आप नोट कर रहे कि देखिए मैंने इसको स्प्रे किया है, ये अभी डार्क हो गया है, ये सेकेंड राउंड हुआ है मेरा। आप नोट करेंगे कि ये सब जो गाले हैं, ये सब जो डीप जो स्लॉट्स है, इसके ऊपर से प्रोडक्ट बराबर से बैठ गया है। जब थर्ड राउंड होएगा हमारा तो ये और प्रॉपर कवरेज होएगा इसका, और इसको अभी हमें 15 मिनट के लिए सूखने देना है। अब ये 15 मिनट हो गए, ये दूसरे हाथ के बाद था जो हम लोग ने दूसरी टाइम इसको स्प्रे किया सेकेंड कोट के बाद। ये आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपरली सूख गया है। तो अब हम तीसरा हाथ डालने वाले, यानी थर्ड कोट, तीसरा कोट, जिसके अंदर अभी हम फोकस करेंगे कि मटेरियल थोड़ा हैवी गिरे, दूसरी बात ये कलर का कवरेज भी बराबर से है और ये मैगविल अभी और डार्क दिखे, प्रॉपर मैट ब्लैक दिखे। अब मैं स्प्रे करने वाला हूँ इसको।
ये मेरा थर्ड राउंड हो गया, यानी थर्ड कोर्ट हो गया है। आपने नोट किया, मैंने हैवी किया है, मेरी स्पीड भी स्लो हो गई है। अब ये प्रॉपर गिल्ला हो गया है, प्रोडक्ट हर कोने में गिर गया है, शेड भी अच्छा दिख रहा है। अब हमें इसको 15 मिनट फिर से सूखने देना है, ताकि हम वापस आके इसको चौथा और फिर पांचवा राउंड सेम स्टैंडर्ड में करें। ये अभी हमारा चौथा कोट हो, हमारे थर्ड कोट के बाद 15 मिनट हमने इसको सूखने दिए थे, अब हम चौथा कोट मारेंगे। तो सेम जैसा थर्ड कोट था वैसा फोर्थ कोट है। आप रैंडमली कहीं पे भी, यानी कहीं पे भी आप स्प्रे करिए, क्योंकि ये काला हो चुका है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट अभी गिराना रहेगा कलर के लिए और थिकनेस के लिए। तो अभी मैं स्प्रे मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरी स्पीड नोट करिए, डिस्टेंस नोट करिए, और मैं सर्कल्स कैसे जा रहा हूँ वो नोट करिए। अब ये मेरा फोर्थ कोट कंप्लीट हो चुका है, ये और थिक हो गया है। अब लास्ट कोट के लिए हमें इसे 15 मिनट पहले सूखने देना है, और फिर हम पांचवा कोट जो हमारा फुल एंड फाइनल कोट है ये हम करेंगे। उसके बाद हम इसके कंप्लीट फिनिश के बाद इसकी टेपिंग निकालेंगे। अब हमारा फिफ्थ एंड फाइनल कोट कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी हमें इसे 1 घंटा सूखने देना है, उसके बाद हम इसकी टेपिंग निकालेंगे। मेरे पूरे 5 राउंड्स हो चुके हैं, मैंने इसके अंदर 400 ml लोड किया था। ये कप के अंदर मेजरमेंट आपको दिखेगा। अब 400 ml में से मेरे पास लगभग यू कैन से 200 ml के करीब करीब है, यानी मैंने समवेयर अराउंड 200 ml यूज़ किया 5 कोट डिप मारने के लिए 15 इंच के मैगवील के लिए। तो अगर 16 इंच का है तो 100 ml ऊपर बढ़ के पकड़ सकते हैं, अगर 14 इंच का है तो 100 ml कम पकड़ के चल सकते हैं। बट बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको अगर चाहिए तो 400 ml मैं रिकमेंड करूँगा, जिसमें से कम से कम आपके पास 100 ml बचना चाहिए। अब लगभग आधा घंटा हो गया है, ये सूख चुका है। अब मैं आपको इसको टच करके बता रहा हूँ, ये ज़रा भी हाथ को स्टिक नहीं हो रहा है। अब हम इसकी टेपिंग निकालेंगे। ये मैं टेपिंग निकाल रहा हूँ, रिलीज कर दे रहा हूँ टायर को। ध्यान देना चाहिए कि ये टेप बॉडी को टच नहीं हो। टेपिंग पूरी उतर गई है। अब यहाँ से जहाँ जहाँ डिप लगा था टायर के ऊपर, ये ड्राई होने के बाद आपको बहुत इजीली पील हो जाएगा। ये एकदम सिंपल तरीके से पील हो रहा है। इसको ऐसा इधर कैच करना है, इधर से इसको पुश करते जाना है। ये देखिए डिप ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहा है, कुछ भी इसमें ताकत का काम नहीं है। अब इसकी रिंग से हम लोग ने डिप को हटा दी है। अब ये थोड़ा थोड़ा डिप इधर लगा हुआ है, तो इसका क्लीनिंग बहुत इजी है। आपको एक कपड़ा लेना है, उसके अंदर पेट्रोल डालना है थोड़ा से पेट्रोल इसलिए लेना है ताकि ये ड्रिप होके रिम को टच नहीं हो और डिप को नुकसान नहीं हो। इसके ऊपर ऐसा रख के हल्के हाथ से इसको सिर्फ क्लीन करके लेना है, तो आपका डिप यहाँ से क्लियर हो जाता है। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था ये मैगविल की क्या हालत थी, अब ये एकदम फ्रेश लुक आ गया है इसके ऊपर। हम देखते हैं कि आजकल फॉर्च्यूनर और बहुत सारी गाड़ियों के मैगविल्स ब्लैक हो रहे हैं, अच्छा लुक दिखता है, जिसकी वजह से गाड़ी की पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। मगर वो जो ब्लैक कर रहे, वो पाउडर कोटिंग कर रहे, पेंट कर रहे, जो परमानेंट प्रोसेस है, यानी वो प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है कि आपका ओरिजिनल मैग पेंट होने के बाद वो परमानेंट हो जाता है, वो हमेशा के लिए रहता है। ये जो चीज़ है, ये कभी भी जब आपका दिल भर जाए ये कलर से, तो या तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, या तो इसको पील करके आप ओरिजिनल जैसा था मैग वैसा आप रख सकते हो। अब ये साइड पे हम लोग ने गोल्ड किए हुए, ये एक पर्ल सीरीज है,
इसके अंदर पल्स हम लोग ने यूज़ किए थे। ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पल को कैसे यूज़ करना है, क्या तरीका रहता है। ये हम लोग का मॉन्स्टर ग्रीन हुआ है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है, ये आजकल बाइक्स के मैगवील्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये कलर भी आप रख सकते हो। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।